हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजा और भट्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 11 बजे मैं आपका डेली अपलोड कर देता हूँ टॉप 10 साइंस का वीडियो। लेकिन दोस्तों, आज हम करेंगे टॉप 15 क्वेश्चन। 15 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस सेशन को दोस्तों पूरा जरूर देखिए। जो भी अगर नए विद्यार्थी हैं तो वो भी इस सेशन को पूरा जरूर देखें। जो नए छात्र हैं जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें पता नहीं है क्या क्या हो चुका है, तो इसका लगभग 12-13 वीडियो हो चुका है, प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ पर जाकर आप पूरा देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है प्यारे साथियों, अगर आप पुराने छात्र भी हैं तो वो भी एक बार जाकर देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दोस्तों, सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन टाइप करता हूँ बहुत एकदम, और ये आपको पीडीएफ में दे दूंगा। ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका पीडीएफ में मैं आपको दोस्तों फ्री में दे दूंगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बस इतना काम आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया। इसका आप आंसर दीजिए फटाफट दीजिए सब लोग। तो शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका जो राइट आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, अम्ल और क्षार के मिलने से जो बनता है, अम्ल और क्षार के मिलने जो लवण बनता है, लवण और जल मिलता है, वही उसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो आपके शरीर जो शरीर में भोजन पचता है, जैसे कि आप दाल भात खाते हैं, अगर आप नींबू का थोड़ा नींबू निचोड़ लेते हैं ऐसे गाल में, आप मतलब कि जीभ में निचोड़ लेते हैं, तो क्या होता है वो पेट में जाता है, खाना के साथ वो जो आपने भोजन खाया उसके साथ वो रिएक्शन करता है और वो खाना आपका पच जाता है, उसे ही दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी प्रकार कुछ आपका प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहते हैं उदासीनीकरण। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों पूरा जरूर देखें। ठीक है, ये मैं आपसे कामना करता हूँ, सभी लोग से मैं विनती करता हूँ वीडियो पूरा जरूर देखें, वरना मेरा वीडियो बनाने का कोई भी फायदा नहीं है, सारा मेहनत मेरा बेकार देगा। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देंगे तो मेरा सारा मेहनत दोस्तों बेकार हो जाएगा। मैं आप मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा अभी मेरा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, क्रोमियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो क्रोमियम का परमाणु संख्या दोस्तों 24, 25, 26, 23। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सब कमेंट कीजिए फटाफट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा। और लास्ट में आप हमें ये भी बताइएगा स्कोर आपका, 15 क्वेश्चन दोस्तों कराऊंगा तो 15 में क्या स्कोर रहा, ये अब हम जरूर बताए इसका, क्योंकि मैं सबका देखता हूँ कि कितना तैयारी लोग करते हैं, सब वो आंसर देते हैं। ठीक है, तो इसका 24 हो जाएगा क्रोमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। तो ये सब मैंने आपको करा दिया। ठीक है, हालांकि मैंने अम्ल और क्षार जो अभी थ्योरी वो सब नहीं कराया है, तो वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, चिंता बिल्कुल भी ना करो, सब एक एक चीज़ कराऊंगा। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, देखिए पहला, देखिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। पहला देखिए, संतुलित समीकरण क्या होता है, इससे पहला हम देखिए एफ ही एक है और Cl2 क्लोरीन 2 है। इधर देखिए, इधर एफ ही लोहा एक है लेकिन क्लोरीन 3 है। ठीक है, संतुलित समीकरण का मतलब होता है कि दोनों तरफ सब चीज़ बराबर होना चाहिए। इधर देखिए क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 3 है, तो इसका आंसर क्या गलत है, तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। बी नंबर देखिए, इधर देखिए नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, इधर नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे ही गलती हो जाएगा। ये देखिए एफ ई मतलब, एक मिनट, एफ ही लोहा, इधर लोहा 1 है, इधर भी लोहा 1 है। ठीक है, अब देखिएगा इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 3 है, तो इधर ये भी संतुलित नहीं, तो कहेंगे ये भी संतुलित आपका नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इसका भी आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इसमें इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक भस्म है। भस्म दोस्तों क्षार बोलते हैं। ठीक है, क्षार को भस्म भी बोलते हैं, कहीं क्षार लिखा होगा कहीं भस्म लिखा होगा। ठीक है, तो NaCl ये तो एक अम्ल है, लवण है, HCl भी एक अम्ल है, KOH ये आपका एक क्षार है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सी इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये इसका आंसर पता होगा। तो क्वेश्चन बैंक आप याद कीजिए, जो मैंने बोला आप सभी को याद कीजिए। ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट का चिंता मत कीजिए। निम्नलिखित में सबसे कमज़ोर भस्म कौन है, तो निम्नलिखित में सबसे कमज़ोर भस्म कौन है, तो इसका सही आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगा NaO। देखिए भस्म भी बहुत प्रकार के होते हैं, जब मैं आपको अम्ल क्षार लवण पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा बेसिक जानकारी दूंगा। ठीक है, तो इसका चिंता बिल्कुल ना करें, थ्योरी वाला पार्ट तो बिल्कुल चिंता करें ना करें। तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो कमज़ोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोना धातु का संकेत क्या है। तो सोना धातु का संकेत क्या है, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा AU। AU दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथी हो जाएगा एक रहते हैं। देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2, 8 और 1। तो लास्ट में कितना आया, लास्ट में एक आया। यही पूछ रहा है कि बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है, उसे मतलब कि उसको वो क्या होता है।
तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसके ऊपर क्या वो धातु होता है जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, जैसे कि आपका ये हो जाएगा, एक मैं बताता हूँ, जैसे कि सोडियम है, सोडियम आपका एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है यानी कि इस पर प्लस चार्ज चला जाता है, क्या चला जाता है, प्लस चार्ज चला जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे विद्युत धनात्मक कहेंगे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी दोस्तों रुके रहिए, ठीक है, भागेगा मत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, नाइट्रोजन के अणु में बंधनों की संख्या कितनी है, नाइट्रोजन के अणु में बंधनों की संख्या कितनी है। तो नाइट्रोजन में दोस्तों अणु के बंध जो त्रिबंध होता है यानी कि 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टक नियम किसने दिया है। तो अष्टक नियम आपको पता है कि किसी भी कक्षा को अस्थाई होने के लिए, किसी भी तत्व को अस्थाई होने के लिए लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहना जरूरी है, यानी कि ऑक्टेट रूल वो फॉलो करेगा तभी वो पूरा अस्थाई होगा। तो ये न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक नियम, तो आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9th में कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका ऑप्शन है वर्जीनियस ने, चार्ल्स डार्विन ने, कोलबे ने या लवोजियर ने। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा वर्जीनियस ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के किस समूह को हैलोजन समूह कहा जाता है। तो समूह 17 को, समूह 18 को, समूह 16 को, समूह 15 को। तो इसका जो सही आंसर मेरे साथी हो जाएगा समूह 17 को दोस्तों, हैलोजन समूह कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता दोस्तों 2 होती है, ठीक है, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना लौ के जलता है। लौ दोस्तों मैंने आपको ये पढ़ाया है, दहन और ज्वाला पढ़ा दिया है, अगर जो भी दहन और ज्वाला देखना चाहते हैं सर्च कीजिए दहन और ज्वाला बाय राज ऑल अबाउट स्टडी, आपको अच्छे से मिल जाएगा पूरे डिटेल में वीडियो, ठीक है। तो दहन ज्वाला सर्च कीजिए, दहन ज्वाला बाय राज ऑल अबाउट स्टडी आपको मिल जाएगा। तो कोयला दोस्तों, कोयला बिना लौ के जलता है, आप जब कोयला को जलाते हैं या कोयला जलाते हैं उसमें कोई भी लौ नहीं निकलता, यानी कि ज्वाला कुछ भी नहीं निकलता, इसे सिर्फ वो जलता है, तो इसका आंसर कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो 14 तो हो गया अपना, आप 15 नंबर देखिए क्वेश्चन, 15 नंबर जो 15 नंबर क्वेश्चन आप कमेंट दीजिएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण देख कमेंट बॉक्स में। अब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ऐसा नहीं बोलिएगा कि मैंने नहीं पढ़ा, ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे, आपका आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दे देंगे क्योंकि ये मैंने आपको पूरा पढ़ाया है थ्योरी के साथ, ठीक है। और ये भी स्कोर तो बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, स्कोर जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, ठीक है।